गुरु नानक साहिब जी दे जीवन अते विचारधारा तो यह गल स्पष्ट हुंदी है कि सतगुरु जी ने देवी देवत्यां अते कुदरत दीआं शक्तियां दी पूजा दे इकदम खिलाफ सन। आप ने एक अकाल पुरख विच यकीन अते शर्ता रखण ते उसदी पूजा दा उपदेश दिता। धार्मिक भेखां दी थां सदाचारी जीवन उते बल दिता। तीर्थ यात्रा, तीर्थ इशनान, शरीर नूं कष्ट देण वाले तपां, योगियां अते जैनियां दी साधनावां, अनेकां तरह दे पुन दाना, जगत तों नसण, जंगलां विच वासा करन, ब्रह्मचारी रहन, यज्ञ करन, बलियां देण आदि कथित धार्मिक रस्मां रीतां ते कर्मकांडां दा सख्त विरोध कीता। पहलों प्रचलित विचार अनुसार कर्म नास नहीं हो सकदे सन, पर गुरु जी ने कहा कि जे मनुख पापां तों तौबा कर लवे ते गुरु दे रस्ते उत्ते चल पाए तां उस नूं पहलां किते माड़े कम्मां दे प्रभाव तों मुक्ति मिल सकती है। ते पहलां ए भी विचार प्रचलित सी कि मुक्ति केवल मरण मगरों ही प्राप्त हो सकती है, पर गुरु नानक साहिब जी ने जीवन मुक्त दा सिद्धांत दिता अते इसे जीवन विच विकार रहित होके प्रभु नाल इक सुर हो जाना जीवन मुक्ति है। आपने स्वर्ग अते नरक नूं भी मानता नहीं दिती। आपने लोकां नूं स्वर्गां दे अखौती सुखां अते नरकां दे भयंकर कष्टां दे ख्याल दे वलों मोड़ के प्रभु दे चरण कमलां दी मौज प्रभु प्रीत दा स्वाद चखाया। गुरु नानक साहिब जी दा मनोरथ मनुख नूं सुचज्जी जीवन जांच सिखाउणा सी। गुरु नानक जी ने धर्म नूं बेलोड़े कर्म कांडां दी कैद तों मुक्त करके दर्शन दीआं गुंजलां विचों कढ के सीधा स्पष्ट जीवन मार्ग बना दिता। विचारधारा दे प्रचार लई गुरु नानक साहिब जी ने चार उदासियां भी कीतियां। लोकां दी बोली विच अपने धर्म सिद्धांतां नूं प्रचारिया। इन्हां सिद्धांतां नूं चिरस्थाई बनाउण दे लई संगतां कायम कीतियां अते प्रचारक थापे। इन्हां यत्नां दे सदका इक नवां धर्म होंद विच आ गया। इसे लई भाई गुरदास जी लिखते हन, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। भाई गुरदास जी ने इसे निर्मल पंथ नूं गुरमुख पंथ अते गुरमते गाढ़ी राह भी आख्या। सतगुरु जी समय सिक्खी भारत दे कोने कोने विच फैल गए से। इसे बारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियां लिखते हन, गुरु नानक वास्तव विच हो चुके पैगंबरां नालों कई गल्लां दे विच बहुत वड्डे सन, जिवें कि उस समय जद कि आवाजाई दे साधन नहीं सन, अजोकियां काढ़ां नहीं सन निकलियां। गुरु नानक साहिब ने सारे हिंद दा ही नहीं, एशिया, यूरोप अते अफ्रीका दे विशेष इलाकियां दे विच प्रचार करके लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुआं नूं गुरदिख्या दे के सते धर्म दे मार्ग उत्ते लियांदा। उदो तो लैके अज तक इह धर्म सधारण मनुखां तो लैके वड्डे वड्डे बुद्धिवानां अते विचारकां दा ध्यान अपने वल खिंचदा रहा है। ज्यों ज्यों समां बीत रहा है इह धर्म लोकां विच होर हरमन प्यारा हो रहा है। संसार दे प्रसिद्ध विचारवान इस नूं जगत धर्म मन रहे हन अते आउण वाले समें दे विच मनुखता दी अगवाई करन वाले धर्मां दे विच गिन रहे हन। C.H. पेन इस धर्म नूं जन सधारण दा धर्म आखदा है। डंकन ग्रिनलीज गुरु नानक साहिब जी दे धर्म नूं सुचज्जी जीवन जांच दा नाम दिंदा है। संसार दे 500 वख-वख धर्मां दा अध्ययन करन वाले अमरीका दा विद्वान H.L. ब्राडशाह सिख धर्म नूं अज दे मनुख दा धर्म अते उस दीआं सब उलझनां दा वाहिद हल दसदा है। सच्चाई इह है कि वर्तमान मनुख दीआं समस्यावां अते प्रश्नां दा इक्को इक उत्तर है। कनिंगम अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ सिख विच लिखदा है, गुरु नानक साहिब ने अपने सिखां नूं उहनां गलतियां तों बचा लिया जिन्हां दा भारत वासी सदियां तों शिकार हुंदे आ रहे सन। गुरु साहिब ने सिखां नूं इक अकाल पुरख दी उपासना दी पवित्र आचरण दी सिक्ख्या दित्ती अते इंज ओह सरल, स्पष्ट, सुतंत्र, समदृष्टि वाला अते रीतां रस्मां तों आजाद अपने श्रद्धालुआं दा सोहणा पंथ साज गए। गुरु नानक साहिब जी ने करतारपुर साहिब पाकिस्तान नगर अजीते रंधावे कोल जगह लैके वसाया अते गुरु जी ने अपनी चौथी उदासी दी आरंभता भी करतारपुर साहिब तों ही कीती अते इस करतारपुर साहिब दे स्थान ते ही गुरु नानक साहिब जी ने अपनी चौथी उदासी दी समाप्ति 1524 ईस्वी दे विच कीती। करतारपुर साहिब ही गुरु नानक साहिब जी ने तकरीबन 17 साल आप खेती करके किरती बनन दा उपदेश भी दिता अते करतारपुर साहिब विखे ही गुरु अंगद साहिब जी नूं गुरता गद्दी बख्शीश करके आप 22 सितंबर 1539 ईस्वी ज्योति जोत समा गए। जिस जगह गुरु नानक साहिब जी ज्योति जोत समाए उत्थे रावी दरिया दे कंडे करतारपुर साहिब बहुत ही सोहना गुरुद्वारा साहिब बनिया होया है, जिस दे दर्शन करन लई संगतां बहुत ही श्रद्धा दे नाल जांदियां हन।
साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।